हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आपका 6 चैप्टर कंटिन्यू है, द गोरिल्ला इन द मिस्ट। आज उसका फाइनल चैप्टर है, फाइनल पार्ट है, और उसी के साथ उसकी एक्सरसाइज भी बच्चों मिलेगी आपको। तो पिछले टर्न के आगे, मीन वाइल टक अनदर फीमेल, इसी के साथ जो टक थी, अनदर फीमेल थी, आई हैड नोन अर्ली एज लॉन्ग, जिसे मैं पहले से जानती थी, फोजी बोल रही है, अपीयर्ड आउट ऑफ द अंडरब्रश, झाड़ियों से निकलती है वो, एंड स्टार्टेड टू पिक अप मैगी, और मैगी को उठाती है, उठाना शुरू करती है, गैसेस टू टेक हर ऑफ टू सेफ्टी, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, उसे सुरक्षा देने के लिए। देन टक टू डिड अ सेकेंड टेक, फिर टक ने दूसरा टेक लिया अपना, शी ड्रॉप्ड मैगी एंड वॉक्ड राइट अप इन फ्रंट मी, उसने मैगी को तो नीचे रख दिया और वो मेरे ऊपर आती है, झपटती है, रेस्टिंग हर वेट ऑन हर आर्म्स सो दैट हर फेस वॉज लेवल एंड माइन, और सामने आकर मुझसे नजरों से नजरें मिलाती है, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड ओनली अ कपल ऑफ इंचज अवे, और केवल एक इंच दूर, शी स्टेयर्ड इंटेंटली इन टू माई आईज, मेरी आंखों में देखती आके, एंड इट वॉज आई टू आई कॉन्टैक्ट फॉर 30 or 40 seconds। यहाँ पर उसका मेरे साथ 30 या 40 सेकंड का आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, नॉट नोइंग क्वाइट व्हाट टू डू, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, फॉर आई हैड नेवर हैड दिस रिएक्शन फ्रॉम गोरिल्लास बिफोर, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी गोरिल्लास का इस तरह का एक्शन रिएक्शन किसी के लिए या मेरे लिए मैंने नहीं देखा था। आई स्क्विज्ड माईसेल्फ, ऐसे जैसे कि मैंने अपने आप को कुचल लिया, माई सेल्फ फ्लैट ऑन द बेड ऑफ वेजिटेशन, मैं किस पर गिर पड़ी, घास पर गिर पड़ी, वेयर अपॉन शी स्मेल्ड माई हेड एंड माई नेक, फिर उसने मेरा सिर सूंघा और मेरी गर्दन सूंघी, देन ले डाउन बिसाइड्स मी, फिर वो मेरे बराबर में लेट गई, एंड एम्ब्रेस्ड मी, और मुझे अपने से चिपका लिया, गॉड, भगवान को याद किया, शी डिड रिमेंबर, उसे मैं याद आ गई, उसने मुझे पहचान लिया। टक बिगन क्रूनिंग, उसके बाद टक जो थी वो गुनगुनाने लगी, एंड आई क्रूनड बैक, और मैं भी गुनगुनाई, एफी आ चुकी थी अप बाय देन, उसके बाद देन शी टू स्टेयर्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, उसने भी मेरी आंखों में देखा, स्निफ्ड मी देन piled up to टू us, और वो भी मेरे पास आ गई, एंड आई वॉज रियली स्क्विज्ड, अब सचमुच में कुछ ली जा रही थी, क्योंकि वो दोनों मुझे दबा के बैठ रही थी प्यार से, एंड हर टक्स प्लेंटिव मर्मर्स, और उसी के साथ टक की दुख भरी दास्तान या दुख भरी संतोष की आवाजें निकल रही थी, रीच्ड अदर क्लीन मेंबर्स, और दूसरे साथी भी आ गए, एंड वन बाय वन दे अदर फीमेल्स ओवर टू अस, और एक के बाद और सब मेरे पास आते गए और वो मुझे दबाते गए प्यार से, ऑल द ओल्डर फोर, चारों की चारों बड़ी वाली आ गई, देन आई नो बेस्ट रिपीटेड द आई टू आई कॉन्टैक्ट, सबसे मैंने आँखों का कॉन्टैक्ट किया, देन सेटल डाउन विद लॉन्ग आर्म इंटरवाइंड, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी बड़ी बड़ी हाथों से जोड़ लिया, मुझे चिपका लिया इनटू बिग ब्लैक फरी बॉल, जैसे कि बहुत बड़ी फरी माने पंखों वाली बॉल दीवार के चारों तरफ, एज दे सेटल्ड इन, जैसे मुझे बिठाई हुई थी, ईच वन वॉज मेकिंग प्रोलॉन्ग्ड, हर कोई मुझे लंबी मुझे खींच रहा था इनको स्टिक मम, और वो सब जिज्ञासा थी जानने के लिए कि मैं इतने दिन बाद क्यों आई हूँ, साउंड और आवाज़ कर रही थी, एज इफ टू आस्क, जैसे पूछना चाहती हो, वेयर द हेल हैव यू बीन, तुम इतने दिनों से कहाँ थी, इट्स रियली यू, सचमुच तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, बताओ तुम इतने दिनों से कहाँ थी, नॉट टू बी लेफ्ट आउट, अब कैसे जा सकती थी, यंगस्टर जॉइंड अस टू, और छोटे बच्चे भी आ गए, कौन कौन से, जोजी कैंट्सबी पाब्लो
पाब्लो आ गया था, उसके बाद मैगी आ गई थी रिली। टू एडवांटेजेस ऑफ ट्रस्ट देयर मदर वर शोइंग, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी माँ ने मुझ पर विश्वास जगाया था, उन बच्चों की माँ ने मेरे ऊपर विश्वास दिया था। शोइंग टू वर्क ओवर मी, जेंटली हिटिंग, धीरे से मुझे हिट कर रही थी, निबलिंग, चिढ़ा रही थी, पिंचिंग, चुटकी काट रही थी, एंड पुलिंग, खींच रही थी माई हेयर, मेरे बाल, एंड ट्राइंग टू कैरी ऑफ ओवर एवरी थिंग लूज, और हर तरह से मैं उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि वो जानवर थे, इंसानों की भाषा, इंसानों का बिहेव नहीं समझ पा रहे थे, पर वो फिर भी प्यार दिखा रहे थे, प्रेम दिखा रहे थे। आई कुड हैव हैप्पीली डेड राइट देन, मुझे लगा मैं यहाँ खुशी से मर जाऊंगी, एंड देयर एंड विस्ट फॉर नथिंग मोर ऑन द अर्थ। अब मुझे इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं थी कि वो सफल हो गई थी, कि एक दूसरा जीव उन्हें प्यार से आलिंगन कर रहा था, उन्हें प्यार से देख रहा था, उन्हें प्रेम, वो दूसरे जीव की भाषा बिना बोले समझ गई और वो उनकी भाषा समझ गए, और इस तरह से उन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन हुआ, उस बात से फौजी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, सिंपली बिकॉज दे हैड रिमेम्बर्ड, और इसलिए क्योंकि फौजी उन्हें याद आ गई थी 3 साल पहले। वाइल द किड्स कैवरेटेड, जबकि बच्चे मेरे पर कूद रहे थे, एट माई फीट फ्रॉम, मेरे पैरों पर, एफी पक पॉपी टक एंड आई सेटल डाउन इन्जॉय द 45 मिनट्स। मैंने उनके साथ लगभग 45 मिनट तक खेला उनके साथ पहले बार, और बहुत सारी दौड़ धूप के बाद इतना सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर दृश्य, नेचुरल टुगेदर एडमिस्ट द थ्रिसल क्लेरी, उस उन्हीं झाड़ियों में, उन्हीं अजवाइन के ठूंठों में। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे बहुत शर्मिंदगी है ये कहते हुए, दैट आई डिड मोस्ट ऑफ द, कि मैं तैयार नहीं थी, बट विथ एन ऑडियंस लाइक दिस हाउ कुड आई रिसिस्ट, कि मैं कैसे उच्चारण कर पाती कि मैं उस प्रेम के लिए तैयार नहीं थी। ओके बच्चों, आपका चैप्टर फिनिश हुआ, तो अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, वो मैंने कर दी है आपके लिए, और आप उसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। इसका ये एक्सरसाइज इसकी ए है, फिर उसके बाद ये है एक्सरसाइज बी, यहाँ पे फिनिश हो रही है एक्सरसाइज बी, और सी में क्वेश्चंस आंसर हैं, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और इनके आंसर्स मैंने नोट कर दिए हैं, वो भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ये है इनके आंसर्स, ये है गोरिल्ला लेसन 6, गोरिल्ला इन द मिस्ट, गोरिल्ला इन द मिस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर के साथ, ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आंसर के साथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 3 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो इस तरह से बच्चों आपके 6 लेसन कंप्लीट हो गए, अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।